अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब करियर से होंगे, रमज़ान में रोज़े शोज़े रख रहे होंगे। आज हम लोग मौजूद हैं जनाब चाह सुल्तान पे, हमीद आटोज पे। जी हाँ, तो ये सुजुकी स्पेशलिस्ट हैं हमीद वाले, इनकी दुकान पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है हम विज़िट करेंगे। इनके भाई हमारे साथ अजमल भाई मौजूद हैं, इनसे चीज़ों की रेट्स और इनके हवाले से बातचीत करेंगे। चलिए ये शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो जनाब, ये बाहर से दुकान का एक व्यू है, मैं दिखा देता हूँ। इस तरफ से आप आएंगे सामने, ये कचरा गली है, ये कचरा गली के सामने वाली ये गली है, इसको हम ईद आटोज वाली गली भी बोलते हैं। ये इनका बोर्ड वगैरह लगे हैं, ये अजमल भाई दिखाएंगे, शुरू करते हैं। ये इनके पास आल्टो का एक बैक कट है जनाब, मैं दिखाता जाता हूँ। अच्छा, जापानी बैक कट है, ठीक है जी। तो इसके साथ ये डिगी भी है, इसकी लाइट्स भी है, ठीक है। पिछला बम्पर भी इसके साथ लगा हुआ है, बम्पर भी साथ है। ज़्यादातर जो हमारे पास कस्टमर आते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, वो चेक करते हैं चीज़ सीले सीले। और ये देखें, इसमें आपको ये चीज़ नज़र आ रही है जी जी, ये आपको जेन्युइन सीलों में ये चीज़ मिलेगी, जेन्युइन सीलों में मिलेगी। जो लोग ज़्यादातर लोकल चीज़ को इसलिए पसंद नहीं करते, ठीक है जी, तो क्योंकि जेन्युइन जब खरीदने आते हैं उन्हें सीलों में वो चीज़ आसानी से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है जनाब। तो ये कितने की कॉस्ट करता है ये बैक कट तकरीबन? ये तकरीबन जिस हालत में पड़ी हुई है ये तकरीबन 50,000 की पड़ जाएगी, ये 50 तक की बैकट पड़ जाएगी, जिसमें डिगी वगैरह बम्पर वगैरह तकरीबन शामिल है, ये चीज़ें शामिल है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे भाई मुझे बता रहे थे रेट्स के बारे से, क्योंकि इनकी हर हफ्ते की खरीदारी होती है। मैं भी कच्चा स्टॉक पे वीडियोस वगैरह कर चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो इनका हर दफ़ा का रेट होता है, मतलब ये फिक्स रेट नहीं है और डिपेंड करता है खरीदारी के ऊपर। ये और भी देख सकते हैं आप, ये आल्टो की डिगियाँ वगैरह इनके पास। वैसे डिगी का क्या रेट चल रहा है आजकल जो है? वैसे डिगी का जो कंप्लीट डिगी का रेट है वो 8,000 रुपये, 8,000 रुपये डिगी का रेट है जनाब। जैसे अगर आपने उसमें शीशा नहीं खरीदना, शीशा विदाउट शीशा और डिगी, यानी कि उसे खोखा कह लो, अगर खोखा हो तो वो आपको मिलेगी तकरीबन 5,000 की पड़ जाती है, ठीक है। शीशा उतार के, खोखे के बगैर तकरीबन 5, शीशे के बगैर 5,000, 5,000 रुपये की। अच्छा, ये वाला कौन सा ये फ्रंट नोज कट पड़े? ये जो नीचे पड़ा है ये कोरे का नोज कट है, कोरे का नोज कट। ये जो बम्पर आपको दिखाई दे रहा है ये मीरा टाइप है, मीरा, यानी कि इस बम्पर के साथ आपको एक मीरा का बॉनट होता है, बॉनट वो एक प्रॉपर सेट बन जाता है, ठीक है जी। इसके साथ अगर आप बॉनट लगाएंगे तो आपका सेट बनेगा, उसके अलावा आपका ये सेट बनेगा नहीं, सेट बनेगा नहीं, मतलब वो यहाँ पे इशारे लगेंगे। इसमें फोग लाइट वाला बम्पर भी, फोग लाइट इसमें फिट हो जाएगी, फोग वाला अक्सर फिट हो जाती है लेकिन उसमें अल्ट्रेशन आ जाता है। इसमें जो जेन्युइन आता है ना, जो अपना जो है अपना ओरिजिनल जो जेन्युइन होता है, ठीक है, उसमें फोग लैंप वाला आता है, फोग लैंप वाला इसमें ओरिजिनल आता है। तो जनाब इसके अलावा ये देखिए आल्टो वाला भी इनके पास और स्विफ्ट वाला भी बम्पर अवेलेबल है। आए थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं और क्या क्या। ये नोज कट में दिखाता हूँ आपको फ्रंट से, ये VXR का नोज कट है जिसमें बॉनट है, लाइटें हैं, इसका फ्रंट बम्पर है। इसके अलावा ये भी एक आल्टो है जापानी स्टाइल की, तो ये भी पूछते हैं इनसे कि क्या रेट इनके हैं, लाइटें वगैरह भी। ये जो है ये आपको ये ओल्ड शेप में जो आती है गंटस ना, उसके ये बैक लाइट्स है, ठीक है। तो इसका जो रेट है इस टाइम तकरीबन मार्केट रेट है इस टाइम तकरीबन 5,000 है, ठीक है। लेकिन चले हम इसको तकरीबन 4,500 में, हमारा ये होता है मार्केट के साथ ही चलते हैं, चलते हम अपनी खरीद चेक करते हैं, चेक करते हैं। बहुत कस्टमर होते हैं वो मार्केट का फायदा उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि यार ग्राहक को मुनासिब रेट पे हमें थोड़ा सा प्रॉफिट रख के ना वो चीज़ सेल। अच्छा, स्पोर्ट्स वाली लाइट है, सिंगल पड़ी है ये? हाँ, ये इसे प्रोजेक्टर वाली भी कह सकते हैं, स्पोर्ट्स वाली लाइट है जनाब। ये स्विफ्ट की लाइट है, ये भी देखिए। तो ये तकरीबन कितने का जोड़ा है अंदाजन मुझे थोड़ा सा ना वैसे बता। इस टाइम जो तकरीबन रेट है मार्केट का, और ये तकरीबन 25,000 का सेट है ये, ठीक है। ये प्रोजेक्टर वाली है, प्रोजेक्टर वाला जो इसके साथ वाली है, ये शादी है, ये शादी है, ये शादी का रेट है इस टाइम तकरीबन 13,000 का। ये कोरे की भी लाइट्स मुझे बैक लाइट्स नजर आ रही हैं, आल्टो की लाइट्स हैं इनके पास जो है, ये भी सेट आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। कीमत वगैरह बाकी इनसे कॉल पे आप कंफर्म करें जो है, ठीक है। ये स्विफ्ट की बैक लाइट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, फेंडर्स वगैरह भी हैं यहाँ पे काफ़ी गाड़ियों के। ये अजमल भाई कौन कौन से फेंडर पड़े? बलिनो गाड़ी के, बलिनो के हैं, मतलब इनके पास आपको आल्टो VXR, मेहरान, कल्टस ओल्ड, बलिनो, डाउन अप मॉडल, इसके अलावा नई आल्टो भी देखें जनाब। ये देखें ये नई आल्टो जो आपकी VXR है अभी, और पाकिस्तान ये इनके पास जापानी वाली ये आल्टो है। आप यकीन करें इसका कलर देखें, आपको बिल्कुल कलर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इवन कि कंपाउंड की भी आपको ज़रूरत नहीं है इसके कलर में, इतनी बेहतरीन कंडीशन में ये दरवाजे इनके पास अवेलेबल हैं। ये बैक साइड से थोड़े दिखाएं मुझे दरवाजे में, तो जनाब ये अंदर से देखिए इसको, ये अजमल भाई ये दिखा रहे हैं इसका ये डोर, ये देखिए विंडो अप डाउन करके। वैसे भी डोर कार्ड आप देख लें, डस्टर वगैरह लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है, कपड़ा लगाएं। ये जापानी ओरिजिनल जो है ना ये आल्टो के दरवाजे यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखें जनाब नए वाले ये दूसरे दरवाजे भी हैं, इवन के स्क्रैचेस भी नहीं हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं ये चीज़ देखें। इसके साथ साथ ये इनके पास डिग्गी भी अवेलेबल है, अल्लाह ना करे किसी की गाड़ी लगती है दरवाज़ा वगैरह लगता है, आप प्रॉपरली नया दरवाज़ा यहाँ से खरीदें, पेंट की भी ज़रूरत नहीं है, इसको डाल दें। अजमल भाई इन दरवाज़ों का क्या रेट है, क्या सेट का चल रहा है जो है? ये दरवाजे जो पावर शेप में कम्प्लीट दरवाजे हैं,
अगर आप जिस बंदे ने खाली पावर लेनी हो पावर विंडोज तो वो तकरीबन 50,000 की है, और अगर आपने ये कंप्लीट लेने हैं तो तकरीबन ये 1.5 लाख रुपए के बन जाते हैं, 1.5 के कंप्लीट हैं। तो जनाब देखें जैसे गाड़ी की कीमत भी तकरीबन नियरली 30 लाख रुपए तक है, ऐसे ही है। तो अगर आप दरवाजा लेके डेंट निकलवाएंगे अपनी गाड़ी की कीमत कम करवाएंगे, एक दरवाजा भी चाहिए मिल जाएगा, एक भी आसानी से मिल, एक भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा जनाब। तो इसके अलावा ये देखें अगेन ये बलिनो की बैक लाइट्स हैं, स्विफ्ट की लाइट्स हैं। आगे भी मजीद सामान को देखते हैं, ये देखें ये इनके पास स्पोर्ट्स वाला बम्पर है स्विफ्ट वाला जो है, ये फोग लाइटों वाला बम्पर मैं दिखाता जाता हूँ। फोग लाइट इसमें जेनुइन है जी? जी जेनुइन है हमारे पास सब जेनुइन। अच्छा इनके पास सारा जेनुइन सामान होता है बता रहे हैं अजमल भाई हमें। तो ये बम्पर कितने का तकरीबन कॉस्ट करते हैं? ये बम्पर तकरीबन 16,000 के, 16,000 रुपये का जना बम्पर है। देखें यार बेहतरीन है, आप अपनी स्विफ्ट में ये बम्पर लेके डालें स्पोर्ट्स लुक, और ये साथ साथ ये गेन लाइटें भी देखते जाएँ। क्लस्टर मीटर वगैरह इनके पास अवेलेबल है काफी। ये बलिनो के आजकल क्या रेट चल रहा है? बलिनो के आरपीएम मीटर, बलिनो का आरपीएम वाला सिस्टम है 5,000 के, 5,000 रुपए ऊपर भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी लगा हुआ है। ये देखें ये भी 5,000 रुपए तक का बता रहे हैं इसका रेट चल रहा है भाई। ये किसके ये स्पॉइलर है? ये 150 कोरे गाड़ी के कोरे के स्पॉइलर है जनाब। काफी छोटा नहीं लग रहा है स्पॉइलर? हाँ ये इतनी साइज के होते हैं, इतना ही होता है। ठीक है ये दोनों उसी के हैं? दोनों उसी के हैं जनाब। ये देखें जापानी चीज है प्लास्टिक में ओरिजिनल, ये दोनों लाइट वाले हैं। हाँ जी ये देखिए इनके साथ लाइट भी लगी है बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में, कोरे को एक स्पोर्टी लुक देने के लिए ये स्पॉइलर आप खरीद सकते हैं यहाँ से। ये कितने का कॉस्ट कर रहे हैं अजमल भाई? ये तकरीबन 9,000 रुपये रेट है। 9,000 रुपये। हाँ जी कोरे का सामान महंगा है, आपको कोरे का भी सामान आल्टो मेहरान कल्टस बलिनो मार्गला के अलावा कोरे का भी सामान मिलेगा यहाँ से। इसके अलावा मैं दिखाता हूँ ये देखिए इनके पास सुजुकी लियाना, ये सुजुकी लियाना, लियाना का भी सामान, ये फ्रंट नोज कट है कम्प्लीट, लाइटें वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगी आपको यहाँ से। इसके अलावा ये बैक बम्पर आप देखें, न्यू ऑल्टो, मैं दिखाता हूँ आपको ये लियाना का फ्रंट है, ये इसकी ग्रिल चेक करें, ये जापानी स्टाइल की ग्रिल है ये वाली, और ये फोग लाइटों वाला बम्पर है ये देखें, और इसके नीचे लिप भी लगे, ये प्लास्टिक का लिप है बहुत ही बेहतरीन स्पोर्टी लुक देने के लिए। ये इसके फोग लाइटें हैं दोनों तरफ। अजमल भाई ये किस तरह तकरीबन पड़ा है ये वाला? तो ये बम्पर तकरीबन 16,000 का बम्पर है, ठीक है जी, और तकरीबन 10,000 का बोनट है, 10,000 रुपए तक का बोनट है जनाब, और इसकी जो नोज कट है वो 7,000 की नोज कट है, 7 की नोज कट इसकी आपको अवेलेबल हो जाएगी। बैक बम्पर न्यू आल्टो का देखें। अच्छा मैं इनके पास ना कोरे की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, बहुत शॉर्ट है सामान। ये देखें इनके पास ये वाली हेडलाइट है कांच वाली, इसको क्रिस्टल वाली इसको बोलते हैं, ये क्रिस्टल वाली, ये क्रिस्टल वाली है, ये रेयर है मतलब महंगी लाइटें हैं काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ साथ ये दूसरे वाली भी आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का शीशा है इसमें, और इसमें भी जो है वो प्राइस के लिए आप भाई से कांटेक्ट कर लें जो है। ये बहुत ही साफ पेयर है, नीट बेहतरीन कंडीशन में देख सकते हैं। इनका क्या रेट है अजमल भाई? तकरीबन होंगी 18-20 की, ये तकरीबन है इस टाइम 24,000 की है, 24,000 रुपये की वल्ला खबीबी। लेकिन लाइट्स भी यार नो डाउट बहुत मज़े की है, और इसके अलावा भी आपको यहाँ से सेट वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। ये मीरा वाला फ्रंट देखिए अगेन मैं दिखाता हूँ, इसके अलावा बम्पर्स भी सॉरी बोनट्स इनके पास अवेलेबल है। ये बलिनो के है ना? ये बलिनो के, ये डाउन मॉडल वाली बलिनो है, ये उसके बोनट हैं, ये भी आप देख सकते हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बड़े अच्छे अच्छे पेंट में भी इनके पास कलर, ये जापानी जो है ये जापान असम्बल्ड आई थी बलिनो, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये कौन से हैं? ये कोरे का बोनट है, ये कोरे का बोनट भी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। अल्टो VXR के, ये VXR के बोनट हैं जनाब। तो प्राइजेस वगैरह के लिए अगेन आप भाई से कॉन्टेक्ट करें। ये डिग्गियाँ वगैरह देखें इनके पास काफ़ी तादाद में ये यहाँ पर मौजूद हैं। क्लस्टर मीटर है जनाब, ये देखें डिफरेंट मैं दिखाता हूँ, ये मार्गला वाला भी इनके पास ये अवेलेबल है, ये भी आप देख लें मीटर वगैरह भी काफ़ी वैरायटी है इनके पास इन चीज़ों की भी। फर्दर ये परचून में भी काफ़ी सामान है, साथ साथ इसको भी देखते जाते हैं। बाकी फर्दर वही आप आएँ चीज़ पसंद करें तो उसके ऊपर जो है इसकी प्राइस हो जाएगी। साइड शीशे आपको दिखाता चलूँ, ये वाले साइड शीशे आप देखें। इसके अलावा जनाब ये देखें अगेन ये मीरा वाला हमें फ्रंट नज़र आया, स्टेयरिंग व्हील्स भी हैं कुछ पड़े हुए। ये कल्टस का है जनाब, ये कल्टस का, हाँ जी ये यूके स्टाइल का ये व्हील है इनके पास, ये बड़ा खूबसूरत व्हील है जी, ये लियाना का व्हील है मैं दिखाता हूँ। ये देखें पाकिस्तानी वाली लियाना में थोड़ा डिफरेंट है, ये जापानी वाला जो नोज कट दिखाया है ये उसी का है अजमल भाई? जी उसी का ही है। ये क्या रेट है इसका लियाना के व्हील का? और ये इसका तकरीबन है 5,000 है, 5,000 रुपया जनाब। देखें बेहतरीन जापानी चीज़ है, ठीक है, और बड़े मज़े की चीज़ है। तो ये यूके वाले कल्टस में ये वाला स्टेयरिंग आता है। इसके अलावा ये बलिनो का आप स्टेयरिंग देखें, इनकी आजकल क्या कीमत चल रही है? ये 4,500। हाँ जी ये 4,500 रुपए का जनाब। इसके अलावा ये बटनों वाला ये भी बलिनो के, तो ये भी आप देखें। इसके अलावा ये भी कल्टस जापानी सैंपल वाली जो आती है, ये मार्गला का, मार्गला कल्टस में जो है मार्गला का ये स्टेयरिंग है, यानी MK3 का।
ये छतें हैं अजमल भाई किसकी, ये कोरे की? ये जो पहले नंबर पे जो पड़ी है ये न्यू आल्टो की है। न्यू आल्टो की, अच्छा छतें भी मतलब आपको जापानी मिलेंगी। देखिए ना ये कटी हुई आती हैं और ये प्रॉपरली कंटेनर का जापान से आया हुआ सामान है जो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप सुल्तान की खूब विजिट करें। ये अगेन बैक वाले दरवाजे जो आपको ऑल्टो दिखाई है ये उसके पड़े हैं, ब्लैक कलर में भी पड़े हैं। वाह जी वाह माशाल्लाह जनाब, ये देखें ये ऑटो वाले तो नहीं, ब्लैक वाले? हाँ ये नहीं, ये मैनुअल है, ये मैनुअल है, वो ऑटो है, ऑटो सिस्टम सेल कर, ऑटो सेल कर दीजिए जनाब, ऑटो भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा ये देखें छोटे छोटे लॉक्स हैं, इसके अलावा ये हैंड ब्रेक्स हैं, परचून में भी काफ़ी कुछ, ये ब्लोअर हैं ऊपर पड़े हुए, इसके अलावा एसी वाले कूलिंग कॉयल हैं। आगे मौसम भी आ रहा है, आप इस तरह यहाँ से ख़रीद करके तो लगा सकते हैं जनाब। डैशबोर्ड भी मैं दिखाता जाता हूँ, ये देखें ये डैशबोर्ड है बलिनो का, और अब देखें इसके ऊपर कल्टस लिखे हैं, बाहर इसको कल्टस ही बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे बलिनो के नाम से आइए। अजमल भाई क्या इसकी आजकल मार्केट है इसकी डैशबोर्ड की बलिनो के? ये आज है इसका आजकल रेट है इसका 16,000 तकरीबन, 16,000 रुपया जनाब मीटर समेत इसका रेट है। देखिए इसमें सादे वाला मीटर है, वो RPM भी आप यहाँ से ख़रीद के लगा सकते हैं। तो ये कोरे का देखें डैशबोर्ड, काफ़ी शॉर्ट है लेकिन ये मीरा वाला डैशबोर्ड ब्लैक कलर में, ब्लैक भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, इसके साथ साथ ग्रे भी है। इसका क्या रेट चल रहे हैं आजकल? और रेट तकरीबन दोनों के सेम ही है, रेट ब्लैक अगर मीटर के साथ अगर कोई भी दोनों में से खरीदे तो 22,000 है, और विदाउट मीटर अगर खरीदे तकरीबन 20,000 का पड़ जाता है। 20,000 मतलब 20-22,000 रुपए तक आपको फ्रेश डैशबोर्ड मिल जाएगा। ये देखिए बटन वगैरह, क्लाइमेट कंट्रोल, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट है, ये भी आप डैशबोर्ड देख सकते हैं। इसके अलावा पूछते हैं और क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। ये बम्पर, ये जापान पाकिस्तान सैंपल का ये आपको बम्पर ठीक है जी मिलेगा, ये अच्छा जापानी बम्पर है लेकिन ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान सैंपल, क्योंकि इसमें ये देखें ना, आप देख रहे हैं उसकी जाली का, जापान सैंपल में उसकी जाली में फर्क है जनाब। ये सुजुकी रियाना का बम्पर, और इसके नीचे अगर आप देखें ठीक है तो ये फोग लैंप, उसमें फोग लैंप आए, फोग लैंप आए हैं पाकिस्तानी स्टाइल के जनाब। इनके पास देखें 2-3 वैरायटी, इवन के रियाना की भी यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये कुछ बॉनट नजर आ रहे हैं, ये मरगला गाड़ी के बॉनट, मरगला के बॉनट हैं। कि क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं तकरीबन मरगला? ये 11,000 का आपको साफ बॉनट पड़ जाता है, साफ बॉनट पड़ जाता है, सिस्टम है 11,000 रेट, मतलब वही बता रहे हैं कि 11,000 रुपए इसके कह रहे हैं। मतलब आए अपनी पसंद करें चीज जो भी होगी मौके के ऊपर। ये देखिए कुछ होल्डन वाले, ब्रीना वाले, मतलब ऑस्ट्रेलियन मॉडल के हैं। कलर आपको वाइट मिलेगा, रेड मिलेगा, ये भी वाइट है, ये ग्रीन है, इसके अलावा ये ब्लू कलर है, इसके अलावा ये ब्लैक है, ये भी वाइट है। बहरहाल आगे भी देखते हैं इनके पास और क्या क्या चीज़ें हैं। गत्ते वगैरह भी इनके पास अवेलेबल हैं जनाब। ये गत्ते किस गाड़ी के हैं? ये आल्टो VXR 1000 cc की, आल्टो VXR 1000 cc आल्टो के जनाब ये गत्ते हैं, ये कंप्लीट सेट है। अच्छा ये पावर वाला सेट कितने के तकरीबन? ये तकरीबन पावर वाला सेट आपको पड़ जाता है तकरीबन 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये का पावर वाला सेट है जनाब। आप मतलब अपनी आल्टो VXR को पावर विंडो जापानी स्टाइल में बोल्ट ऑन लेके लगा सकते हैं। और ये सादे वाला सेट कितने के तकरीबन? सादे वाला तकरीबन आपको पड़ जाता है 5,000 का, 5,000 रुपए का जनाब। सादे वाला सेट तो सस्ता है काफ़ी। ये देखें ब्रेक बूस्टर सर्वे जो है ये भी जापानी है, आप यहाँ से ख़रीद के लगा सकते हैं। लॉक वगैरह भी आपको आल्टो होगी आपकी, बलिनो, कल्टस, इन सब के लॉक्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी चीज़ मतलब चाहिए। ये छतें मेरे ख्याल में कोरे की छतें, ये कोरे गाड़ी की, ये कोरे की छतें हैं। अल्लाह ना करे किसी की गाड़ी एक्सीडेंट होती है अगेन, तो वो छत पूरी की पूरी काट के गाड़ी को जैन तरीके से लगा सकते हैं। ये अच्छा बलिनो, बलिनो के बम्पर काफ़ी शॉर्ट हैं लेकिन यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। देखें जनाब ये फ्रेश बम्पर है, काबली कंडीशन है, बस इसको कंपाउंड पॉलिश करके लगाएं, अगर पेंट करना है आपने तो इट्स टोटली अप टू यू। ये तकरीबन बम्पर नियरली मेरे ख्याल में 20,000 तक होगा। कितने का ये बम्पर? तकरीबन 22,000 का। मैं थोड़े कम रेट बता रहा हूँ भाई, मुझे कह रहे हैं चलो आपने बोल दें। अच्छा तो जनाब ये मतलब इतने तक का बम्पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा गत्ते हैं, इवन के देखें इनके पास फ्यूल टैंक भी पड़े हैं, फ्यूल टैंक भी अवेलेबल हो जाएंगे आपको जनाब यहाँ से। और काफ़ी गाड़ियों के स्टेयरिंग भी हैं क्योंकि ये डिस्प्ले पे थोड़े लगा सकते हैं, बाकी समझिए इनका बैक साइड पे गोदाम सिस्टम है, गोदाम तो और भी हैं इनके पास। ये देखें कल्टस का फ्यूल टैंक है, काबली जापानी, इसके अलावा मैनुअल वाली विंडोज़ हैं। हर एक चीज़ के रेट में बार बार नहीं पूछ रहा भाई को डिस्टर्ब कर रहा, आप इनसे कॉन्टेक्ट करें, रब्ता करें। ये बम्पर वगैरह भी मैं दिखाता जाता हूँ, ये देखिए इनके पास बम्पर भी कुछ कल्टस वगैरह के अवेलेबल हैं, और ये VXR के बम्पर हैं। ये वाले कौन से बम्पर हैं? ये आल्टो VXR फ्रंट वाले बम्पर, फ्रंट वाले बम्पर। अच्छा इसके क्या रेट चल रहे हैं फ्रंट वाले बम्पर? जो फ्रंट बम्पर है वो तकरीबन इस टाइम है 6,500 का, 6,500। बैक बम्पर इस टाइम 4,000 का, 6 और 4 के बम्पर हैं जनाब। इसके अलावा ये इनके पास रेडिएटर भी आपको मिल जाएंगे, और छतें वगैरह, रबड़ें वगैरह, बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। तो जनाब ये आज की हमारी वीडियो थी यहाँ पे हमीद ऑटोज़ पे। ये हमीद भाई भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे और ये अजमल भाई भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखें जनाब ये वाला स्टेयरिंग, अच्छा जनाब ये VXR का स्टेयरिंग है, ये कितने के? ये 2500 का, 2500 के। मतलब VXR का सामान फिर भी थोड़ा सा रीज़नेबल है, लेकिन फिर भी
डिपेंड करता है कि खरीदारी कितने में हुई है इन लोगों की, क्योंकि कच्चा स्टाफ पे हर दफ़ा के नए रेट्स हैं, टैक्स वगैरह ड्यूटीज़ वगैरह को मिला के जनाब। तो इनका मैं यहाँ पे दे देता हूँ नंबर वगैरह, ये देखें, ये इनकी दुकान का बोर्ड है और ये अजमल भाई से यहाँ पे इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और इनको काइंडली तंग ना कीजिएगा नंबर के ऊपर, मतलब जाहिर सी बात है कारोबारी आवर्स में ये लोग यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अच्छा अजमल भाई, इसके अलावा भी कोई किसी बंदे को चीज़ चाहिए हो सुजुकी के अलावा अरेंज करवा देंगे आप? जी बिल्कुल, कोई भी होंडा गाड़ी हो, करोला गाड़ी हो, हमारे रिलेटिव हैं जिनसे आपको करोला का सामान, होंडा का सामान, बाकी जैपनीज जो गाड़ी है उनका सामान आपको लेके दे सकते। अच्छा, तो आपके पास फिलहाल, मैं कुछ स्किप तो नहीं कर रहा, मेहरान है, अल्टो भी एक सार है, स्विफ्ट है, बलिनो है, इसके अलावा कोरे है जी, और कौन सी मार्गला है, कल्टस है, जैपनीज गाड़ियों में न्यू अल्टो होगी, हाँ जी, चांद अल्टो, ठीक है जी, इस तरह की गाड़ियाँ हैं और इन गाड़ियों का सामान मिल जाता है, इन गाड़ियों का सामान मिल जाता है। मतलब देखें ना, ये छोटा मोटा और भी सामान अगर कुछ स्किप हो गया, जिसको जो आइटम चाहिए वो फर्दर इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो हमीद आटोस से जनाब, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।